रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अब रूस में कोई खेल आयोजन नहीं हो रहा। इसका बड़ा फायदा भारत को हुआ है। भारत को करीब 4 महीने बाद 44वें चेस ओलंपियाड के आयोजन का मौका मिला है। इसमें हिस्सा लेने वाले देशों के लिहाज से ये फुटबॉल वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद मानते हैं कि इससे भारतीय शतरंज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। करीब 100 साल के चेस ओलंपियाड के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत को ये आयोजित करने का मौका मिला है। आनंद, आपके साथ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जब 2002 में आपने खेला था, उस समय भी 100 कंट्रीज यहाँ आए थे, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नानिमिटी के लिहाज से देखें करीब 200 देश ओलंपिक्स या वर्ल्ड चेस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप या फीफा, शायद इससे बड़े वही इवेंट हैं। इस मैग्नानिमिटी से इंडिया के लिहाज से या ओवरऑल ये जो मिला है, कितना बड़ा प्राइड मोमेंट है, कितना बड़ा मोमेंट इसको मानते हैं? इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। द ओलंपियाड इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिया, व्हिच आई थिंक इज लॉन्ग ओवरड्यू, बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड आई एम वेरी प्राउड दैट स्पेशली माई सिटी इज गोइंग टू बी द होस्ट। ऑन टॉप ऑफ बीइंग प्राउड फॉर इंडिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ चेन्नई। I'm sure that the Tamil Nadu government will organize it flawlessly and together with FIDE and the All India Chess Federation. I mean, everyone moved very dynamically and quickly. As soon as the Olympiad had to move, they were able to bid and get it. So, you know, wonderful news. ये हासिल करना संजय कितना बड़ा इवेंट रहा, क्योंकि रशिया से चिन्ना और उसके बाद बहुत कम टाइम, जैसे अभी आपने बताया कि 48 घंटे के अंदर गारंटी देना, और ये कितना डिफिकल्ट था और कितना चैलेंजिंग है अभी? हम चैलेंज को जब पूरा कर लेते हैं तो वो चैलेंज नहीं रहता। पहली चीज़ देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार 44वां ओलंपियाड होने जा रहा है। इस देश के लिए गर्व की बात है, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ 200 देश आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो स्पोर्टिंग इवेंट हो। इससे बड़ा पार्टिसिपेशन के लिहाज से बड़ा इवेंट हो ही नहीं सकता अभी तक, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट है। 200 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन एन इवेंट and approximately 2,200 to 2,500 players coming. It's miraculous and God has been kind on us. हम लोग पे ईश्वर की मेहरबानी। अब क्या फायदा होता हुआ देखते हैं, खासकर इस तरह के टूर्नामेंट से, ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ हुआ, तो बाद में 2012 ओलंपिक्स में हमने कई सारे मेडल जीते। आपको लगता है इस तरह का फायदा इंडियन चेस को ओलंपियाड के थ्रू हो सकता है? Obviously, hope for the best possible result and so many medals. I mean, hope, we can hope for anything. We can hope for all three. If we have three teams, we can hope to fill the podium. But fingers crossed, I think we have a strong enough team that with a little bit of luck and a little bit of support can probably make it.